हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे, बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन, महा शुभ दीपावली के दिन। एस्ट्रोफ्रेंड परिवार की तरफ से, नक्षत्र 27 मीडिया की तरफ से, यंग 27 डिजिटल चैनल की तरफ से, कल्चर वैली एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से आप सब बंधुओं को, आप सब सजीव लोगों को शुभ दीपावली। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सदैव अपनी गुणात्मक अनुकंपा आप सब पर बरसाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबके जीवन में समस्त शोक दुख दर्द दूर हो जाएं, आप सबके जीवन में आरोग्यता का समावेश हो, आप सब चरित्रवान बने, आप सब मानव समाज के कल्याण के निमित्त रत रहें, उनमें लग जाएं, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप समस्त बंधु बांधव सदैव यशस्वी रहें, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सबके मस्तिष्क में सदाचार की गंगा सदैव बहती रहे, आप हमेशा शांत चित्त होकर के संयमशील रहें, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, एक बार फिर से शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। चलिए आते हैं अब आज के विषय पर। महानिशीथ, अब सुनिए, एक बड़ा भारी भरकम सा शब्द हमने बोल दिया, महानिशीथ, ये क्या है? ये एक विशेषण है, निशा से निशीथ, निशा माने रात, महारात। सूर्य चंद्रमा एक साथ, शुक्र भी उसके साथ। अब कुछ तो खेल खेलेंगे, तो आज की रात एक तंत्र हम बताएंगे जो आज की रात ही करना है। खतरनाक नहीं है, बहुत शुभ है, बहुत प्यारा है। क्या होगा वो तंत्र देखेंगे ब्रह्मास्त्र में, थोड़ा इंतजार करना होगा आप सबको। इस तंत्र का चमत्कार, अब चूंकि आज दिवाली है, इतने दिन से हम दिवाली के ऊपर कितने कार्यक्रम किए हैं, तो आज तो सबसे बम रहेगा, सबसे ज्यादा फाड़ रहेगा। तो आज के इस खास महानिशीथ तंत्र का ब्रह्मास्त्र आप सबको थोड़ी देर में हम बता देंगे कहाँ आप इसको देख सकते हैं, और इस तंत्र से आपकी कोई खास मनोकामना पूरी हो जाएगी। थोड़ा इंतजार उसका भी करना होगा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक अमावस्या, चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर चुका है, नक्षत्र आज का स्वाति रहेगा। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में चंद्रमा का संचरण रहेगा। राहु की महादशा में आज की दिवाली हम सब मना रहे हैं। योग है आज का आयुष्मान, तदनुसार दिनांक 7 नवंबर दिन बुधवार। राहु काल का समय दोपहर 1:30 तक, दोपहर 12 से 1:30 तक राहु काल में नया और शुभ काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। सावधान रहिएगा कहीं दिवाली का पूजा उजा ना कर लीजिएगा। दीपावली पूजन का भी हमने अलग से शुभ मुहूर्त बताया है जो आज शाम का है, अलग से हमने दिवाली की प्लेलिस्ट में डाला है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाद में इतना पछताएंगे आप जिसकी कोई सीमा नहीं, चाहे देख लीजिएगा, 100% पछताएंगे अगर नहीं देखा तो। हेलो, तो सूर्य शुक्र चंद्र एक साथ तुला राशि में है, बृहस्पति बुध वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, केतु मकर राशि में, मंगल कुंभ राशि में, और राहु कर्क राशि में। आज की महादशा का स्वामी राहु ही रहेगा,
क्योंकि आज स्वाति नक्षत्र भी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आज के पूरे दिन का हाल बताते हैं और आज ये भी बताएंगे कि दिवाली के आज दिन एक क्या ऐसा कार्य किया जाए जो कि आपके लिए ये दिवाली ऐतिहासिक हो जाए। है ना अद्भुत जानकारी। चलिए बताते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों को आपको आज दिवाली के दिन क्या करना है, लेकिन पहले आज का राशिफल जान लीजिएगा। आज मेष वालों के दांपत्य जीवन में थोड़ा सा उठा पटक भरा माहौल हो सकता है। आज दायां बायां बायां दायां कुछ हो सकता है। अगर आपकी राशि मेष है तो आज पैतृक संपत्ति के विवाद की भी उलझने परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी परेशान करेगा, लेकिन अपनों से भेंट वार्ता, अपनों से मुलाकात, अपनों से मोहब्बत ये संभव है। निश्चित रूप से ये आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। मेष वालों के लिए आज क्या विशेष करना चाहिए? आज कम से कम 5 बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उनके पांव छू करके। मैं देखता हूं कि कई दफा खासतौर पे मेट्रो सिटीज वगैरह में ये ट्रेंड है कि बड़े बुजुर्गों से भी शेक हैंड करते हैं, हाथ हिलाते हैं। मिलाना तो छोड़िए, हिलाते हैं, समझ में नहीं आता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, हमारी कल्चर वैली में ये नहीं रहेगा, हमारे कल्चर वैली में ये नहीं होने वाला है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो आज 5 लोगों का आप लोग पांव छूएं, क्या नहीं करना है। अगर आपकी राशि मेष है तो आज बिना भोजन के आप कहीं पर भी मत निकलिएगा। बादामी रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। वृषभ राशि, आज वृषभ राशि वालों के लिए कई बार कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, कुछ धन की परेशानी हो सकती है। आज संतान को लेकर के भी कुछ चिंतित आप रहेंगे, कोर्ट कचहरी के केसेस में भी उलझने की नौबत आ सकती है, धन के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आज वृषभ राशि वालों के लिए मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। क्या विशेष करना चाहिए अगर आपकी राशि वृषभ है? आज वृषभ राशि वाले किसी पौधे के नीचे कुछ काले तिल डाल दीजिएगा, दिवाली बम बम जाएगी आपकी। क्या नहीं करना है आज? आज अपना वाहन किसी को नहीं देना है। हरा रंग शुभ, 61% का भाग्य है। मिथुन राशि, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। आज स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा, घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आज बहुत अच्छी है, आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, जिससे आज के दिन किसी से प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। क्या विशेष करना चाहिए दिवाली स्पेशल आपके लिए? आज के दिन आपको किसी जरूरतमंद को कुछ वस्त्र दान कर देना है। क्या नहीं करना है आज? मन की बातें साझा मत करिएगा। पीला रंग शुभ है, 58% का भाग्य। कर्क राशि, राशि का स्वामी शुक्र के साथ सूर्य के साथ चौथे भाव में आज चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, मोहब्बत की प्राप्ति, सब प्राप्ति है, प्राप्ति है, बम बम टाइम है आपका। कहीं से कोई चिंता नहीं है, जितने रुके हुए कार्य थे 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद उनको पूर्ण करने का प्रयास करिएगा, जल्दीबाजी से बचिएगा। क्या विशेष करना चाहिए आज दिवाली के दिन? एक साबुत हल्दी कहीं पौधे के नीचे रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है। गुलाबी रंग शुभ, 75% का भाग्य। सिंह राशि, बहुत अच्छा प्रभाव आज आपका दिखेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा विशेष, किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने जा सकते हैं आप, प्रसिद्धि का योग है, आज अवार्डेड हो सकते हैं, नई नौकरी की सौगात भी आपको मिल सकती है। आज सिंह राशि वालों के बॉस आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। क्या करना चाहिए? किसी बच्चे को आज कुछ खिलौना उपहार दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा। क्या नहीं करना है आज? आज मन की बात साझा नहीं करना है। ऑरेंज कलर शुभ, 57% का भाग्य। कन्या राशि, अद्भुत दिन है आज, अंदर से खुशी खुशी रहेंगे आप, अंदर से आपको प्रसन्नता होगी। घर में आज नया मेहमान आ सकता है कोई, मांगलिक कार्यों में व्यस्तता आज बढ़ जाएगी, शादी ब्याह का मसला हल हो सकता है,
कोई आपके जीवन में आज प्रवेश कर सकता है। आज कन्या राशि वालों का प्रभाव अपने माता पिता के साथ कई और जगह दिखाई देगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो आज क्या विशेष करना चाहिए? दिवाली का दिन है, आज के दिन किसी को शुद्ध मिठाई दे दीजिएगा। शुद्ध लाया मैंने स्पेशल, क्योंकि अशुद्ध बहुत अब किसी में ज़रूरतमंद ही होते हैं मेरे निगाह में। जो आप नातेदार रिश्तेदार को देते हैं वो संबंध नहीं है। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। लाल रंग शुभ है, 54% का भाग्य है। तुला राशि, थोड़ा मानसिक परेशानी रहेगी आज, कुछ अनहोनी की चिंता सता सकती है। आज तुला वालों के लिए सूर्य का प्रभाव कुछ नकारात्मक जा रहा है। दोपहर के बाद अपने आप को संयत रखिएगा, सावधान रखिएगा। अगर आपकी राशि तुला है तो आज के दिन अपने आप को जितना संभाल सकते हैं संभालने का प्रयास जरूर करिएगा। मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, आपका रुपया पैसा फंस सकता है। क्या स्पेशल करना है आज? 1 रुपये का सिक्का किसी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। आज क्या नहीं करना है? अगर आपकी राशि तुला है तो आज दोपहिया वाहन से यात्रा अवॉइड करिएगा, चोट की संभावना है। स्लेटी रंग शुभ, 56% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, क्रोध की अधिकता परेशान कर सकती है। द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति आपको किसी और के साथ नोकझोंक के लिए विवश करेगी। वाणी से अपशब्द निकल सकते हैं, नहीं सोचा है हो गया, क्या कर सकते हैं। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कला क्षेत्र से हैं वो कोई आज आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट स्किप हो सकता है, खिसक सकता है। मीडिया वालों को विशेष लाभ मिलेगा अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो। आज जो आपके कलीग्स हैं जिनके साथ आप कुछ काम करते रहते हैं उनके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करिएगा। क्या विशेष करना चाहिए? आज देवी उपासना दिवाली के दिन जरूर कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज किसी का दिल नहीं दुखाना है। ब्राउन कलर शुभ, 51% का भाग्य। धनुराशि, जल्दीबाजी से आपको बचने की आवश्यकता है, क्रोध परेशान करेगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। धन की स्थिति को आज संभाला जा सकता है। किसी परिवार में आज शादी ब्याह का माहौल भी बन सकता है। लड़का लड़की दिखाने का कार्यक्रम 4 बजे तक निपटा लीजिएगा, उसके बाद का समय आपके लिए शुभ नहीं है, उपयुक्त नहीं है। धनुराशि वालों को आज क्या विशेष करना है दिवाली के दिन? कच्चा दूध और पका हुआ चावल किसी जानवर को खिला दीजिएगा। यस, यू मे गिव स्ट्रीट डॉग्स टू, पालतू जानवर ना हो, पालतू में सिर्फ गाय वगैरह। क्या नहीं करना है आज? उधार नहीं देना है। काला रंग शुभ, 63% का भाग्य है। मकर राशि, बम बम दिन रहेगा आज। चंद्रमा अद्भुत स्थिति में है, शुक्र के साथ, दशमेश के साथ है। कार्य क्षेत्र में एकदम से व्यस्तता बढ़ेगी। किसी पुराने रुके प्रोजेक्ट को आज बल दे सकते हैं। वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, बेहद मांगलिक रहेगा, बेहद पॉजिटिव रहेगा। अगर आपकी राशि मकर है तो किसी चलायमान शक्तियों को आज महसूस कर सकते हैं। मकर राशि वालों का प्रभाव एकदम से अचानक प्रभाव दिखाई देगा, मतलब कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट में आ सकता है। क्या विशेष करना चाहिए मकर राशि वालों को? आज मकर राशि वालों को दिवाली के दिन कुछ धन दान करना है। और क्या नहीं करना है? बिना खाए घर से बाहर न निकलिएगा। सफेद रंग शुभ, 69% का भाग्य। देख लीजिए किस शहर में किस तारीख में आप हमसे मिल सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है ज्योतिष दिशा। हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मकर राशि तक आप लोगों ने देख लिया है कि क्या कुछ करना है। अब 2 राशियां बची हैं, उनको भी मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है आज दिवाली की रात या दिवाली के दिन में। अच्छा, मुहूर्त अगर आपको पता करना है कि दिवाली का मुहूर्त क्या है तो उसके लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम डाला है। दिवाली के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा।
बेहतरीन मुहूर्त, अद्भुत मुहूर्त कहीं नहीं मिलेगा, वचन देते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन थोड़ा सा प्रतिकूलता कार्य क्षेत्र में दिखाई देगी। अगर आप अपना काम करते हैं तो वहां दिक्कतें बढ़ सकती हैं। साथ में काम करने वालों के साथ कुछ अचानक से दिक्कत पेश आ सकती है। धन की स्थिति भी आज थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं मैं कहूँगा, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेनी देनी में सावधानी बरतिएगा, कहीं साइन करते समय भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आज कोशिश करें कि सुपर सात्विक रहें, ध्यान दीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। आज क्या विशेष करना है आपको, किसी ज़रूरतमंद विधवा को कुछ उपहार दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, किसी महिला के साथ बदजुबानी नहीं करनी है। आसमानी रंग शुभ, 56% का भाग्य। अंतिम राशि मीन, मीन राशि वालों के लिए आज परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, फेस्टिव सीजन का फुल आनंद उठाएंगे आज। कोई पुराना मित्र आपसे भेंट वार्ता कर सकता है, मिलने आ सकता है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पे भी आज काम किया जा सकता है। अगर आपकी राशि मीन है तो आज संपत्ति विवाद से मुक्ति की संभावनाएं भी बन रही हैं। क्या विशेष करना है आज दिवाली के समय पर, बड़ों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, छोटे बच्चों के साथ उलझना नहीं है, उन पर हाथ नहीं उठाना है। हरा रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। चलिए अब बताते हैं आज का दिव्य भाग्याक्षर। मेष का अक्षर वृषभ सा, मिथुन या अक्षर कर्क पा, सिंह राक्षर कन्या दा, तुला लाक्षर वृश्चिक फा, धनु ग्याक्षर मकर धा, कुंभ या अक्षर और मीन टा। ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं जिनको 24 घंटे के लिए अपने पास रखना होता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, एक चौकोर सादा कागज ले लीजिएगा, उस पर लाल रंग की इंक से अपनी मून साइन के अकॉर्डिंग भाग्याक्षर लिखिए और 24 घंटे के लिए अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। बढ़ते आगे आज की सक्सेस की। तीन चावल के दाने सर से सीधा क्लॉकवाइज 3 times वार कर किसी पौधे पेड़ के नीचे, छोटा पौधा हो या बड़ा पेड़ हो, डाल दीजिए 3 चावल के दाने गिन करके, जरूर आपको फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ब्रह्मास्त्र, आज के महानिशीथ का तंत्र क्या है, उसके लिए क्लिक करें ये वाला लिंक। हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं ब्रह्मास्त्र के लिए अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, श्री राधे।